नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। मध्य प्रदेश में 16 जुलाई से 14 अगस्त तक विकास पर्व मनाया जाना है। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह अलग अलग जिलों में जाकर लोगों को विकास कार्यों की सौगातें दे रहे हैं। इसी क्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कटनी जिले में बड़गांव पहुंचते हुए, जहां भारी संख्या में लोग वहां पहुंचे, जिसे उन्होंने मध्य प्रदेश में सुशासन और विकास का गवाह बता दिया। उन्होंने कहा कि आज का दिन बड़गांव के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज 313 करोड़ 23 लाख की चार नई योजनाओं की भूमि पूजन हो रहा है। मेरी बहनों, अब आपको हैंडपंप और कुएं पर पानी लेने की जरूरत नहीं है। हम पाइपलाइन बिछाकर घर घर में टोटी वाला नल लगवा कर पानी पीने का पानी पहुंचाने वाले हैं। बहनों के खाते में 3,000 रुपये देने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस दौरान यहाँ जन दर्शन यात्रा में शामिल हुए और 313 करोड़ 23 लाख के विकास कार्यों का लोकार्पण है भूमि पूजन भी कर दिया। सीएम शिवराज ने हर घर जल पहुंचाने के लिए बड़गांव में लगभग 279.30 करोड़ रुपए की लागत से ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना का भूमि पूजन किया। इस योजना से कटनी के लगभग 159 गांव, रीडीप के 109 जनपद, कटनी के 50 गांव लाभान्वित होंगे। और आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने 1,011 करोड़ 5 लाख लागत की बहोरी बंद उद्धान माइक्रो सिंचाई परियोजना स्वीकृत की है। इस परियोजना के पूर्ण होने पर लगभग 80,000 एकड़ कृषि भूमि पर सिंचाई होगी। इससे कटनी तहसील के 5 गांव, बहोरी बंद के लगभग 86 गांव, रीठी के 17 और सिली मानावाद के लगभग 43 गांव में सिंचाई की व्यवस्था होगी। सीएम शिवराज ने यहां पर करीब 2 किलोमीटर लंबी जन दर्शन यात्रा की, जहां पर अपार जन समूह उमड़ा। और आपको बता दें कि 109 कलशों से किया गया स्वागत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। बड़गांव हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर से उतरते ही सीधे लाडली बहनों से मिलने पहुंच गए। इस दौरान बहनों ने सीएम पर पुष्प वर्षा कर 109 पवित्र जल कलशों से मुख्यमंत्री का आत्मीय स्वागत किया। फिर किया 3,000 देने का वादा मुख्यमंत्री शिवराज ने। सभा को संबोधित करते हुए लाडली बहना योजना के तहत 10 जून को, 10 जुलाई और 10 जुलाई को लाडली बहनों के खाते में 1,000 रुपए डालने को कहा है। और अब 10 अगस्त फिर आ रहा है, उनके खातों में फिर 1,000 रुपए राशि डाली जाएगी। फिलहाल भले ही 1,000 दिए जा रहे हो और लेकिन इसे बढ़ाकर 3,000 तक किया जाएगा। आज से फिर योजना के लिए फॉर्म भरे जाने शुरू कर दिए गए हैं। जिन बहनों के पास ट्रैक्टर है, जिनकी उम्र 21 वर्ष है, वे भी फॉर्म भर सकती हैं। इस कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद पूरे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाकर विकास कार्यों की सौगात दे रहे हैं। विकास पर्व के दौरान विकास कार्य का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान की ये नई नई चीजें, घोषणाएं, दावे, वादे, घर घर जल, ऐसी साफ तौर पर योजनाएं, घोषणाएं शिवराज सिंह चौहान को अलग बनाती हैं और साफ तौर पर उन्हें मजबूत बनाती हैं। इस पर आपकी क्या राय है, कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहे इंडिया न्यूज। धन्यवाद।